आपके लिए लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल का मकसद क्या है, इसके बारे जानना आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैनल का नाम और काम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार ही है। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक अच्छे चैनल को चुना है। आइए आज इसके मकसद के जानने से पहले इसके पीछे जो टीम काम कर रही है उसके बारे जानकारी हासिल करें। मीटिंग विद गॉड टीम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रही है। उनका प्रार्थना करने का मकसद यूहन्ना 10:10 के अनुसार है कि आप लोगों को जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। इसलिए इस चैनल के ऊपर हर संदेश प्रार्थना सहित आपके पास आता है, इसलिए इसको सुनना मत भूलना। यदि आप किसी मैसेज को दूसरे विश्वासी तक फॉरवर्ड करते हो तो आप लाइफ विद जीसस क्राइस्ट सेवकाई में सहभागिता रखते हो। इसका परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। दूसरा, इस चैनल के पीछे एक सेवकों की टीम भी काम कर रही है जिनका ग्रुप का नाम है विक्ट्री इन क्राइस्ट ग्रुप। इस ग्रुप का मकसद और प्रार्थना का अर्थ बहुत गहरा है। यह सेवक चाहते हैं कि कलिसिया के अंदर जितने परमेश्वर के लोग विश्वासी हैं वह दूसरा तमोतियस 3 अध्याय और उसके 17 वचन के अनुसार बन जाएं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हम सेवकों की टीम पंजाब में वचनों की गहरी शिक्षा देने के लिए सेमिनार कर रही है। सेमिनारों का उद्देश्य आपके परिवार को मजबूत करना है। उन शिक्षाओं का कुछ भाग हम चैनल में डालते हैं ताकि आपका परिवार भी मसीह में मजबूती की ओर बढ़ता जाए। हमारी टीमों के मकसद के अलावा अब हम चैनल के मकसद को जानें। जैसा चैनल का नाम है लाइफ विद जीसस क्राइस्ट, इस नाम का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हर वक्त रहने चाहते हैं। मत्ती 28 उसका 20 वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके संग क्यों रहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का आपके संग रहना परमेश्वर के एक बड़े उद्देश्य को पूरा करना है। जब परमेश्वर ने पहला इंसान अदन की वाटिका में बनाया था उस समय इस उद्देश्य को आदमी के लिए रखा हुआ था। उत्पत्ति अध्याय 3 इसका 8 और 9 वचन यहां ये बताता है कि परमेश्वर ने आदम की सृष्टि अपने साथ संगति करने के लिए की थी। संगति आदम ने तोड़ दी, परंतु परमेश्वर का मकसद बदला नहीं। जब इस संसार का अंत हो जाएगा तब परमेश्वर का यही मकसद फिर इंसान के साथ होगा। प्रकाश की पोथी 21 अध्याय और उसका 30 वचन, फिर मैंने सहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है
वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अब हम शुरुआत और अंत को मिला कर देखें। परमेश्वर का एक ही मकसद है, इंसान के साथ संगति करना ही। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए। मसीह में प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के मकसद को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आपसे बात करते हैं। इसको सुनना और शेयर करना मत भूलना। इस मकसद को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बीच में से प्रमुख चेला यूहन्ना था, उस चेले ने भी इस मकसद के बारे में लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाश यूहन्ना चेले को ही दिया और वो परमेश्वर के हृदय को और यीशु मसीह के हृदय को अच्छी रीति से जानते थे। आइए हम पहले यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन देखते हैं। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हैं। और इस वचन का अर्थ अजीजो बहुत ही गहरा है। यूहन्ना ये बतला रहा है कि हमारी संगत पिता के साथ होनी चाहिए और इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहते हैं, ताकि हमारी सहभागिता पिता के साथ करवाएं। अब आप इस छोटी सी वीडियो में परमेश्वर का मकसद जान चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और आने का कारण जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहते हैं, ताकि हमारी सहभागिता पिता के साथ करवाएं, हमारी संगति पिता के साथ करवाएं। आप लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल के मकसद को जान चुके हैं और इसके पीछे जो सेवकों की टीम काम कर रही है उनके मकसद को जान चुके हैं, और आप मीटिंग विद गॉड टीम के मकसद को जान चुके हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, क्योंकि हम मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप अपने देश भारत के लिए इसको खुशहाली की ओर बढ़ना देखना चाहते हैं तो आप निरंतर प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, जो रात को 10 बजे 10 मिनट की प्रार्थना होती है, और प्रार्थना के बारे में सीख भी सकते हैं। इस YouTube चैनल में आपको दो वीडियोस मिल जाएगी, आपकी ऐसी प्रार्थना जो बदल दे देश के हालात, और आपकी प्रार्थना में बड़ा भेद छुपा हुआ है। आइए हम सब मिलकर देश की भलाई के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए। आमीन।